हेलो नमस्कार, मैं विमी डोगरा, सोनोसोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 नंबर की क्वालिटी के बारे में बताने वाली हूँ। नंबर्स का अपनी लाइफ में अलग ही जगह है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1, 2 एंड 3 नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। 1, 2 एंड 3 नंबर अगर आपका मिस हो गया है, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। जिनका बर्थडे 4, 13, 22 एंड 31 होता है, वो नंबर 4 के होते हैं। 4 यानी नंबर 4 राहु का नंबर होता है। अभी 4 नंबर के बारे में, लकी कलर्स, लकी नंबर्स, अनलकी नंबर, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 4 का लकी नंबर है 1, 2, 6, 7 एंड अनलकी नंबर है 4, 8 एंड 9। जितना हो सके आप 4 और 8, 9 ना यूज कीजिए। राहु का नाम सुन के काफी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। 4 नंबर को कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा कलर उनके लिए लकी है, कौन सा कलर अनलकी है, उनके हेल्थ के बारे में, वो सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। पहले हम उनके नेचर की तरफ चलते हैं। 4 नंबर के नेचर का जो भी बंदा होता है, जो भी इंसान होता है, काफी फ्रेंडली होता है। उनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। ये ज्यादा करके जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और थोड़े जिद्दी होते हैं, अपनी शर्तों पे जीते हैं। आप अगर इनसे आर्ग्यू करोगे 4 नंबर के लोगों से, आप कभी जीत नहीं पाओगे। 4 नंबर के लोग ही जीतेंगे। ये लाइफ में रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं। रिस्क लेना इन्हें पसंद नहीं है। अगर किसी बिजनेस में है, जॉब में है, तो ये बिल्कुल लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। और ये पैसों के पीछे लेकिन ज्यादा नहीं भागते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, साल भर इन्होंने मेहनत की, लेकिन इनके साथ ऐसा होता है कि एंड वक्त पे प्रमोशन कोई और ले जाता है। ये 4 नंबरों के लोगों के साथ ऐसा काफी पाया गया है कि जो भी मेहनत करते हैं उसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिलता है। आपका लकी कलर है व्हाइट, ब्लू, येलो एंड गोल्डन। अनलकी कलर है रेड एंड ब्लैक। जितना हो सके आप रेड और ब्लैक यूज मत कीजिए। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नी का प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उसके बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे भी आपको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम लगा, तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप इसको हल्के में मत लीजिए। और आपका मंत्र है ओम रा रावे नमः, ओम रा रावे नमः। ये मंत्र का आपको चैंट करना है और आपको रोज हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आपको हनुमान जी का ध्यान देना है। ये चलिए मैंने आपको 4 नंबर्स के बारे में सब बता दिया है। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है तो मुझे आप शेयर कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूंगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नंबर 5 के साथ। चलिए नमस्ते। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।